सी, आज जो है हम लोग का स्टार्ट हो रहा है रिवीजन क्लास 12th का जो बोर्ड्स है। तुम लोग का पेपर कब है? 31 मार्च को। 31 मार्च को तुम्हारा पेपर है। देखो दो शेड्यूल्स में तुम्हारे रिवीजन चलेगा, एक चलेगा 3 से 4 और एक चलेगा 4 से 5। अब देखो अभी हमें फिलहाल शेयर्स में भी कुछ खत्म करना है और हम लोग शुरू करते हैं शेयर्स से। सारे लोग अपना कॉपी बुक सब बंद कर, सब बंद कर दो जो मैं बोल रही हूँ, बस चुपचाप से सुनो। देखो बच्चा शेयर होता क्या है, सिंपल सी बात, व्हाट आर शेयर्स? तो जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स हमारी जो कंपनी होती है उसके कैपिटल को हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम शेयर्स कहते हैं। अब ये शेयर्स का सीन ये होता है कि ये शेयर्स 4 तरह के प्रोसेस से गुजरते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और अगर क्वेश्चन में है तो फाइनल कॉल। आपने बोर्ड के पर्पस के लिए इसमें से क्या क्या तैयार करना है? बेसिक, देखो बेसिक कभी पूछता नहीं है, पर बेसिक हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम सीधे फॉर फ्यूचर के एमपी क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि जब तक बच्चे को मेन कंसेप्ट नहीं क्लियर है तब तक उतना हाई फाई कैसे क्लियर होगा? ये बात बहुत ही लेजिटिमेट है, ऑब्वियस है कि पेपर में तो तुम्हारे में से ऐसी एंट्री एक ही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें फॉर फ्यूचर भी होगा, कॉल इन अरियर भी होगा, बायबैक भी होगा, ये सारी चीजें इशू ऑफ शेयर। उसके अलावा इशू ऑफ शेयर की थ्योरी को भी समझना जरूरी है। अब आज जो शेयर का रिवीजन चालू हुआ है, मेरा ये कोशिश रहेगा कि आज आप तक क्या ट्यूसडे, ट्यूसडे मंडे मंडे है, अच्छा मेरी कोशिश रहेगी कि मंडे से लेकर सैटरडे तक तुम्हारा इशू ऑफ शेयर्स और इसके बाद का चैप्टर था इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये दोनों का रिवीजन खत्म। और बच्चों बहुत ही ध्यान से रिवीजन करो, ये रिवीजन फुल एंड फाइनल बोर्ड्स का रिवीजन है। इसके बाद तुम्हें जो करना है केवल टेस्ट ही लूंगी मैं, उसका कोई रिवीजन नहीं। एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनते चलो। हर चीज का जब रिवीजन का पहला क्लास होगा जैसे आज है तो तुम्हें किताब खोलने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि मैं वो सारी चीजों को रिवाइज करके ले चलूंगी जो भी चीजें हम लोगों ने कवर की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स के। सबसे पहले थ्योरी को कवर करते हैं हम लोग, क्योंकि थ्योरी भी आएगी, यू कैन नॉट स्किप इट कंप्लीटली। बीटी गोयल से हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंपनी। देखो बच्चे कंपनी क्या होती है, शेयर कंपनी में ही ना होगा? 11th में तुम लोग इतना पढ़े हो, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, किसी में शेयर होता था क्या? नहीं। तो ये कंपनी में ही शेयर होंगे, इतनी सी बात सही। अच्छा व्हाट इज अ कंपनी? बच्चा कंपनी इज एनी एसोसिएशन व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ऐसा कोई भी संस्था जो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर उससे पहले जो चल रहा था कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, पंजीकृत, बात करी रजिस्टर्ड को ही पंजीकरण पंजीकृत किया है, ये आपने डेफिनेशन में लिखना ही लिखना है, इनवर्टेड कॉमा में, यू कैन नॉट स्किप दैट। तो क्या बस इतना लिख के काम खत्म? नहीं, फीचर्स ऑफ कंपनी लिखना बहुत जरूरी है। बीकॉम के बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि तुमको तो पेज भरने से मतलब है, सही बात है। तो एक कंपनी के जो फीचर्स होते हैं जरा ध्यान दो बच्चे, सेपरेट एंटिटी होता है। बच्चों आज मैं तुम लोगों को केवल एक्सक्यूज दे रही हूँ, कल मेरे को क्लास में शेयर और पार्टनरशिप की कॉपी सामने चाहिए, क्योंकि तुम लोग ये ऐसे पढ़ रहे जैसे कोई नई चीज है, ये तो रिवीजन चल रहा है, 2-3 महीने पहले खत्म हो गया शेयर्स। कॉपी आज ढूंढ लेनी चाहिए नहीं तो सबके घर पे कॉल कर देंगे। ठीक है, कल सबके डेस्क पे मुझे चाहिए शेयर्स की कॉपी। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी बोलने का मतलब ये है बच्चे की जो कंपनी होती है ना ये अपने ओनर्स से, अपने यूजर्स से, यूजर्स कहाँ से, ओनर, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर से अलग होती है। सताक्षी और रोशनी ने मिलकर एक कंपनी बना दी, ओरेकल प्राइवेट लिमिटेड। तो ओरेकल प्राइवेट लिमिटेड इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट
है बच्चों को ज्यादा ज्ञान को नुकसान नहीं करता है। कॉर्पोरेट वेल, VEIL, बच्चों कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है व्यवसाय का पर्दा। मतलब तुम लोगों ने कंपनी एस्टैब्लिश की, तुमने दिखाया कि हमें टेक्सटाइल का बिजनेस करना है, ये दिखाया, और एक्चुअली में कर क्या रहे थे, किडनैपिंग करवाते थे। तो यहाँ पे एक बंदा जो किडनैप हुआ बच के निकल गया, वो गया गया बोला कोर्ट जी बोले हाँ बोला, फिर वो जो एक कंपनी है ना ओरेकल प्राइवेट लिमिटेड, हाँ हाँ वो ना किडनैपिंग का काम करवा। अच्छा हाँ, पर वो तो कंपनी है, वो तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, आप कंपनी को गिरफ्तार करिए, कंपनी गिरफ्तार हो सकती है भाई। कंपनी आपने अपने कानून की सहायता के लिए, कंपनी लॉ की सहायता के लिए, इनकम टैक्स की सहायता के लिए उसको एक लीगल आर्टिफिशियल आइडेंटिटी दी। अब अगर सामने वाला व्यक्ति उस लीगल आर्टिफिशियल आइडेंटिटी की गलत इस्तेमाल कर रहा है तो कॉर्पोरेट वेल मतलब इस व्यवसायिक पर्दे को हटा के देखना पड़ेगा, और पर्दे के पीछे कौन खड़े, ये दो महान आदमी। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। परपेचुअल एग्जिस्टेंस बच्चे, शाश्वत उत्तराधिकार, इसका क्या मतलब है? एक पोयम थी, क्या है जो एक वो, हाँ वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक, क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, मैंने बता दी। देखो बच्चे, परपेचुअल एग्जिस्टेंस एक पोयम हमने पढ़ी थी क्लास 11th में, द ब्रूक, ब्रूक BROOK, ब्रूक बॉन्ड। उसमें एक लाइन थी, पीपल मे गो पीपल मे कम बट द ब्रूक गोज ऑन फॉरएवर। यही लाइन यहाँ पे कई किताबों में आपको देखने मिलेगी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस में, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। MTH वाले दादाजी नहीं रहे, निकल लिए थे सेकंड वेव में, पर उनकी कंपनी तो आज भी है, आज भी तुम लोग कहते हो असली मसाले सच सच, ऐसा तो नहीं उनके बाद हो गया असली मसाले झूठ झूठ। तो ये कहते हैं ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस था, यहाँ पे जो कंपनी है इट कंटिन्यूज टू लिव इवन द मेंबर्स आर देयर और दे आर नॉट देयर, इट इज कंप्लीटली वल्नरेबल टू द चांसेस ऑफ डेथ और लाइफ ऑफ पीपल। बात समझ में आया, लोग मरे लोग जिए। जी सिंपल सा एग्जांपल, एक कंपनी थी, कंपनी का नाम पनौती प्राइवेट लिमिटेड, क्यों पनौती नाम पर देखिए, उस कंपनी के 11 मेंबर थे, 11 मेंबर एक ही साथ एक ही बस में ट्रेवल कर रहे थे, ये 11 निकल गए। अब समझ में आया कि पनौती फिर भी दैट कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट व्हिच सेज इट इज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। बात सही आगे बढ़े बच्चे, लिमिटेड लाइबिलिटी मेन तो यही रीजन है भाई, इतनी सारी प्राइवेट कंपनी खोल के रखे हैं लोग, क्या उसमें शेयर इशू करवाते क्या? नहीं, हम भी लोग कल कोई कंपनी खोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो ओपन अ कंपनी, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कोचिंग की सर्विसेज देंगे, कॉमर्स को देंगे, साइंस को देंगे, ऑनलाइन मोड में देंगे, क्या हम शेयर्स मंगवाएंगे क्या पब्लिक से? नहीं। The very big feature of a company act is the liabilities are limited. मतलब owner के personal asset नहीं बेचे जाएंगे, ठीक है? जो owner है उसका personal asset नहीं नीलाम हो सकता। जैसे मान लो मेरी संपत्ति तनु, तो liability के लिए आप इसको नहीं नीलाम कर दें। So owner की personal asset आप नहीं बेच सकते। सबसे बड़ा तो यही reason है। आगे बढ़े। After limited liability, we have common seed. कुछ common seed का क्या मतलब? Commonwealth games का भाई नहीं। भाई जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का एक बहुत ही significant feature क्या होता है शादी? व्यक्ति का significant feature नहीं होता। तुम्हारा ना signature है। सिग्नेचर मतलब सिग्नेचर, नॉट सिग्नेचर लाइन। तो ये जो कॉमन सील होता है बच्चा, जो कॉमन सील होता है
जब तक ये किसी डॉक्यूमेंट पर ना हो, जब तक ये किसी डॉक्यूमेंट पर ना हो, ऐसे केस में वो डॉक्यूमेंट ये माना जाएगा कि कंपनी द्वारा साइन नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, कुछ भी हम डॉक्यूमेंट पे लिख देंगे और कंपनी का मुहर चुरा लो, तुरंत हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मान लो तुम्हारे 2 बच्चे हुए, ठीक है, तुम्हारी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब उसमें से बड़ा बच्चा तुम्हारा चालू निकला, उस छोटे बच्चे को क्या किया, उसको तुमको बरगला के रे मम्मी, अरे मम्मी करके पूरी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। छोटा वाला अब्बा जब्बा डब्बा। कॉमन सीन जो होती है बच्चे, कंपनी की सिग्नेचर है, तो एक सिंपल सी बात समझो ना, अगर ये सिग्नेचर ही चोरी हो गया तो एक तरह से तो कंपनी का साइन चोरी हो गया। किसी डॉक्यूमेंट पे आतंकवादी कुछ वहां पे डिक्लेयर करे उस पे कंपनी का नाम, और एकल प्राइवेट लिमिटेड हमें पता भी नहीं था आतंकवादी हमारा मुहर यूज करते हैं। इस वजह से यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स का साइन उसी ठप्पे पे होना जरूरी है। मान लीजिए तुम्हारा ओरेकल का ठप्पा पड़ गया, अब इस पे 2 डायरेक्टर के साइन, साक्षी मिश्रा एंड साक्षी मिश्रा, ये भी नहीं कर सकते, कहेगा एक ही डायरेक्टर दोबारा साइन किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, बच्चा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का क्या मतलब? शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, पर इसमें थोड़ी सी कहानी है, क्योंकि हम तुम्हें पढ़ा रहे कंपनी, और बच्चे कंपनी में आते हैं 2 टाइप्स, पब्लिक प्राइवेट। ये पब्लिक लिख दूं मैं, पब्लिक नहीं, तुम लोग के लिए पब्लिक ना, नहीं सही। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है बच्चा, पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ये जो अपस्टॉक्स और ग्रो वगैरह ऐप पे देखते हो, जो लोग खरीदते हैं शेयर्स, रोज बेचते हैं, इंट्राडे इंटरडे ट्रांजैक्शन करते हैं, वो कहाँ के शेयर्स होते हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मान लो मैंने कंपनी खोली, मैं बोला हाँ ठीक है मैंने अपने स्टूडेंट्स के शेयर बांट देने, और वहां पे मान लो मैंने शेयर इशिका को दिया, शेयर इशिका को देने के बाद ठीक है ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, मैं नाम ले लेके सबको दी शेयर, कैसा है तुम देखो हमारे पास 200 की लिमिट है, तुम मेरा शेयर ले लो, तुम ले लो। फिर हुआ क्या ना, इशिका की शादी हुई सीधे जाके ग्रीस से, तो मैं अब आपकी कंपनी के शेयर क्या करूं, मेरा तो घर बार सब छूट रहा है। ठीक है तुम शेयर दो, मगर वो अपने अधिकार पे शेयर किसी को नहीं ट्रांसफर कर सकते, जो कि पब्लिक कंपनी में पॉसिबल था। यहाँ पे आप शेयर ओनर को लौटा दोगे, फिर इन अ प्राइवेट कंपनी, फिर ओनर की जिम्मेदारी है वो शेयर किस, ठीक है आगे बढ़ाएं बात। लास्ट है बच्चे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। भाई बहुत बहुत जगह ऐसा देखने मिलता है, आपके अपने घर में आपको देखने मिलेगा, घर पापा का है चलती मम्मी की है, पापा की हिम्मत नहीं अपनी मम्मी के सामने, तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल। तो भाई ओनरशिप तो पापा की है, मैनेजमेंट किसकी है, तो पापा को भी मानना है। तो ये है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सारे फीचर्स क्लियर हुए, एक बार फिर से रिवाइज कर ले। देखो सेपरेट एंटिटी मतलब एकदम अलग अस्तित्व है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस मेंबर्स में का, मेंबर्स में को, बट दी कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे आपका दायित्व आपके पर्सनल एसेट तक ही लिमिटेड रहेगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आपके शेयर्स फुल्ली ट्रांसफरेबल है पब्लिक में, और रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर है। क्यों रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर बच्चे, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड शब्द क्या दिखा रहा है, रिस्ट्रिक्टेड शब्द नहीं बोल रहे एकदम से आपने करना ही नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली नॉट अलाउड, ये नहीं दिखा। रिस्ट्रिक्टेड शब्द दिखाता है कि कुछ नियम कानून इस पे सख्त है, अगर उनका पालन करो तो यू कैन डू इट। मतलब ट्रांसफरेबिलिटी तो है प्राइवेट शेयर में भी, मगर वो शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। तुम जा रहे हो ग्रीस, जाओ शेयर मेरे को लौटाओ, मेरे को जिसको शेयर देना होगा मैं उसको। लास्ट वन इज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। बच्चे कंपनी का जो ओनर होता है, किसी कंपनी का MD होता है, चेयरमैन होता है, वो बहुत बड़ा आदमी होता है। वो एक जगह एक ही ऑफिस पे नहीं बैठा रह सकता, उसकी 4 ब्रांचेस हैं, वो 4 ब्रांचेस पे 3-3 महीने बैठ रहा है। ऐसे में क्या एक ब्रांच को वो 3 महीने का समय दे रहा है तो बाकी ब्रांच 9 मंथ्स के लिए बंद हो जाएगा? नहीं, वहां पे भी मैनेजमेंट के बंदे होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ाए बात।
आज पूरा थ्योरी इसका खत्म करना है हमें शेयर्स का, और इसी तरह दूसरे वाले लेक्चर में हमें पार्टनरशिप की थ्योरी को खत्म करनी है। सबकी कॉपी कल मुझे डेस्क पे चाहिए, तुरंत घर कॉल जाएगा और कॉल जाएगा आप लोग के पापा के पास कि अंकल देख लीजिए रिवीजन चल रहा है, बच्ची ने कॉपी नहीं लाया, फिर आपको समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पे हम कंपनी की बात करते हैं। बच्चे ये जो कंपनी होती है, हाँ इतना तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैम एक पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। बच्चा वो मैटर बीएसटी का है। क्यों बीएसटी का मैटर है? क्योंकि कंपनी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, तुम्हारी जर्नल एंट्रीज थोड़ी बदलेगी, तुम्हारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ी बदलेगा। पर कब बदल सकता है? अगर तुम्हारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, और एक और अगर तुम्हारी कंपनी अनलिमिटेड है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट बच्चों बहुत अच्छे समझ लो, बीएसटी के रिवीजन में वो भी अपना हो जाए। अभी फिलहाल इस चीज को समझो, शेयर क्या लिखे गए, गारंटी एंड अनलिमिटेड, तीन तरह से कंपनी की क्लासिफिकेशन बहुत ध्यान से समझो। बच्चे लिमिटेड बाय शेयर का क्या मतलब है? लिमिटेड बाय शेयर का ये मतलब है, मान लीजिए जेसिका ने क्या किया, किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदे और 10 शेयर के दाम, मतलब एक शेयर का दाम अगर 10 रुपए तो 10 शेयर के दाम 100 रुपए। बच्चों क्या तुम लोग जिसमें से कंपनी ने अभी फिलहाल केवल कितना मंगाया है 80 रुपए, तो कितना नहीं मंगाया है 20 रुपए। बच्चे ये कंपनियां जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, ये अपने वाइंडिंग अप पे, वाइंडिंग अप मतलब भैया बस कंपनी जा रही है, बंद हो गई, टाटा बाय में खत्म गया, तो ये अपने वाइंडिंग अप पे केवल ये शेयर का अनपेड अमाउंट ही मंगा सकते हैं, ओनली द अनपेड अमाउंट। खुद देखो ना, ऐसे ही तो प्रूव हो गया ना लिमिटेड लाइबिलिटी, जहां तक आपकी लाइबिलिटी थी आपने रियलाइज कर दिया। ये तो होगी मेंबर्स से बात, कंपनी के अपने जो बंदे होते हैं, अपने बंदे मतलब जिनकी कंपनी है यार, प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, उनकी बात अगर हम करें, तो यहाँ पे ये लोग भी अगर ऐसी तुच्छी हरकत करने लगे, 20 रुपए देंगे हम कंपनी के बंदर के, यार मत दो तुम, इतना क्यों गनीमत कर रहे हो, दे कैन नॉट डू दिस। व्हाई? बिकॉज़ दे आर केएमपी। केएमपी क्या होता है बच्चों? एमपी मतलब वेरी, अरे वेरी गुड, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, केएमपी मतलब कोलकाता के पास वाला मध्य प्रदेश। क्या की मैनेजरियल पर्सोनल, की मैनेजरियल पर्सोनल मतलब किसी कंपनी का वो बंदा जो अगर एक दिन कंपनी में ना रहे कंपनी बंद पड़ जाएगी, ऐसे हालत आ जाए। तो अगर ये लोग भी ऐसी हरकत करें, हम 20 रुपए लाएंगे, हम 21 लाएंगे, हम लाएंगे 2 रुपए, नहीं देखता। ऐसे मेंबर्स का नाम कहां होना चाहिए, कहां लिखोगे ऐसे मेंबर्स का नाम, कहां लिखोगे ऐसे मेंबर्स का नाम, कहीं तो लिखोगे, क्योंकि हर बंदा तो नहीं ना गारंटी देगा, तो चुनिंदा बंदे ही गारंटी लेके बैठे, तो ऐसे मेंबर का नाम कहाँ लिख दें? मैम ताजमहल पे चौक से एक्स कंपनी के वाई मेंबर ने गारंटी दी है, एकदम नई चीज अब आपको ताजमहल पे देखने मिलेगी। पहले लोग ये लिखते थे सोनू वेट्स मोनू स्वीटा लव सी स्वीटी, अब आपको देखने मिल रहा है एक्स कंपनी के वाई मेंबर ने गारंटी शेयर्स दिए हैं। बच्चों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे हर उस मेंबर का नाम लिखा जाएगा जो कि गारंटी लेकर बैठा हुआ है। बोलो बात सही है, बात आगे बढ़ो। अनलिमिटेड कंपनी, बच्चों अनलिमिटेड कंपनी पे अभी मेरी नॉलेज थोड़ी सी रिडंडेंट है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तब हिंदुस्तान में अनलिमिटेड कंपनी इलीगल होती है, पर अभी शायद कंपनीज एक्ट के लेटेस्ट अमेंडमेंट, ये जो 2021 में कुछ अमेंडमेंट है, नहीं 19 में,
उनके तहत कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए अनलिमिटेड कंपनी भी हिंदुस्तान में खोली जा सकती है। खैर आपने केवल इतना समझना है कि अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। मेंबर्स के लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं है। अगर कंपनी लॉस सफर करती है, द कंपनी इज सफरिंग लॉस, तो मेंबर के पर्सनल एसेट को हम बेच देंगे। ओएलएक्स पे बात आगे बढ़ाएं। अब हम बात करेंगे कंपनी के वो टाइप्स के बारे में जो आपको थ्योरी में पूछे जा सकते हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपनी का वो फॉर्म जो आपके लिए थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। दो तरह की कंपनियां होती हैं बच्चों, और इन दोनों के डिफरेंस को आप जरूर पढ़ के बोर्ड्स में जाइएगा। 2 से 3 नंबर के लिए भी आ सकता है, क्या हो सकता है 6 नंबर के लिए आ सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 6 नंबर के लिए आ सकता है। कंपनी का वो फॉर्म देखो, बच्चा प्राइवेट कंपनी का सेक्शन याद कर लो। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 16, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 16। अभी याद करवाते हैं, सेक्शन भी याद करवाने का तरीका है मेरे पास। एक तरह से पढ़ते चलो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 पब्लिक कंपनी किस में डिस्कस है? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। याद करो। याद है तुम लोगों को इश्का की शादी ग्रीस में हुई है ना? याद कर लो उसके घर का नंबर क्या है, उसका जो हाउस नंबर है, जो फ्लिपकार्ट से डिलीवरी वगैरह मंगाती है ना, तो उसका हाउस नंबर क्या है? TRI 2/68। याद हो गया सेक्शन ग्रीस में? चलो सताक्षी तो हम लोग भेज दे रहे हैं कैनेडा, ठीक है? तो उसके स्ट्रीट में एक पब है। क्या है? पब। पब है जहां पे सताक्षी का सत्ता, मतलब समझ गई होंगी आप, पीने क्या पब में कोई क्या पीता? दूध नहीं। तो सताक्षी ने क्या किया, वो 2 बजे घर पहुंचा और इसने उसको 71 हंडर मारे कि दोबारा से ये हंडर नहीं करूं, नहीं करूं। याद हो गया? बहुत अच्छे से याद हो गया। अब बोलो एग्जाम तक भूलेगा ये तुक्का? नहीं। फिर से देख लो तुक्का। इष्टिका की शादी हुई ग्रीस में और उसके घर का नंबर है PRI 2/68। PRI फॉर प्राइवेट कंपनी, 2 सेक्शंस अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट। सताक्षी की शादी हुई कनाडा में जहां पे उसके घर के पास एक पब था। पब के बाहर इसका हस्बैंड दारू पीते मिला, 2 बजे वो घर पहुंचा, उसने उसको 71 अंडर मारे। याद हो गया ना? पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 70। आगे बात बढ़ाते हैं। दूसरी चीज ये है बच्चे, अब दूसरा चीज देखो, प्राइवेट कंपनी में ये चीज क्लियर हो गया। प्राइवेट कंपनी की दूसरी बात क्लियर करो बच्चे। मेंबर यहां पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। क्लियर है? एकदम क्लियर है? तो बात आगे बढ़ाएं। यहां पे कहां पे? पब्लिक में मिनिमम 2 मैक्सिमम अनलिमिटेड। ये याद हो जाएगा कि इसका भी तुक्का लगाएं 2 से 200। रोशनी कह रही नहीं क्योंकि उसको पता है अब उसी का बैंड बजेगा, अगर इसका तुक्का वो लगाने को बोल दी। मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 और यहाँ पे 2
से अनलिमिटेड, अरे पूरा हिंदुस्तान भी अगर चाहे, सेवन सॉरी, पूरा हिंदुस्तान भी अगर चाहे तो किसी एक कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है, कोई कोई मसला नहीं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, पूरा दुनिया किसी एक कंपनी का हो सकता है, कोई मसला नहीं, अनलिमिटेड है। तो अगर तनु की अरेंज मैरिज हुई तो उसके कितने बच्चे होंगे? अगर लव मैरिज हुई तो 200। वेरी गुड, 200। अगर मेरी लव ही मैरिज होती, मेरी छोड़ो आगे करते, बस यहाँ पे क्लियर है ना सब। हाँ, तो मेरी लव मैरिज होगी अगर जो हो रही है तो वो क्या होगी? सेवन अरेंज कर दो, कोई बात नहीं, याद हो गया, क्लियर था तुमका, कितना अच्छा अच्छा तुमका एग्जाम में सब फुल मार्क्स लाओगे। यहाँ पे हो गया तनु का एग्जाम्पल, यहाँ पे हो गया मेरा एग्जाम्पल, और इसको लेना है जब भी कोई नंबर ही नहीं, इन्फिनिटी कौन कर पाएगा भैया, नो वन। चलिए नेक्स्ट, इनविटेशन टू पब्लिक, प्राइवेट में हम क्या इनविटेशन दे सकते हैं? क्या दे सकते? नहीं दे सकते बच्चे, जब हम ही उठा के शेयर दे रहे हैं ये लीजिए आप, ये लीजिए आप, तो पब्लिक को इनविटेशन देके क्या करेंगे? पर यहाँ पे पब्लिक को इनविटेशन देते हैं, और किस में इनविटेशन देते हैं? न्योता में मैम, नहीं, प्रोस्पेक्टस, याद रखना, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इनविटेशन टू पब्लिक, क्लियर है? बात आगे बढ़ाएं बच्चा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, इसीलिए इसको इतना कायदे से मैं ग्राइंड कर रही हूँ, एकदम दिमाग में एक एक पॉइंट बैठा दो और बिल्कुल जैसे तुम्हारे नोट्स में लिखा होगा वैसे लिख के आना है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बच्चे प्राइवेट कंपनी के लिए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो बड़ा नेसेसरी हो जाता है, नेसेसरी मींस इंपॉर्टेंट। जानते हो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि तुमने 2 से लेकर 200 या उसके बीच में किसी नंबर के मेंबर्स रखे हैं, सबका नाम, सबका एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर आपको लिखना ही लिखना होता है। क्या इसमें पॉसिबल है? क्या नहीं, क्योंकि इसमें तो अनलिमिटेड मेंबर्स हैं, मगर जो गारंटी लेकर बैठे हैं उनका नाम आर्टिकल्स में दिखेगा। अगर बच्चे आपकी कंपनी टेबल एफ के शेड्यूल 1 में आती है, देखो टेबल एफ के शेड्यूल 1 में आती है, ये क्या होता है? ये जो होता है अभी तुम्हारे काम का नहीं है, जब होगा तो पढ़ेंगे। इतना याद करो, कंपनीज ए 2013 के टेबल एफ और शेड्यूल 1 में आती है तो ऐसी कंपनी के लिए आर्टिकल्स बनाना जरूरी नहीं होता है। इनके अतिरिक्त जितनी कंपनियां हैं उनके लिए आर्टिकल्स बनाना जरूरी। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, बच्चे 2 डायरेक्टर हो सकते हो यहाँ पे, साथ में सिंपल सी बात है, मिनिमम मेंबर जितने होंगे उतने ही तो मिनिमम डायरेक्टर्स। और अंतिम बात, अच्छा नहीं इसमें एक सेकंड, बच्चे पब्लिक में मिनिमम डायरेक्टर 3 होंगे और यहाँ पे 2 होंगे, तो इसमें तो कुछ नहीं याद करना है, जितने मिनिमम मेंबर उतने डायरेक्टर। यहाँ पे डायरेक्टर कितने चाहिए? 3 चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती है ना उनके नाम के आगे आपको पीवीटी एलटीडी मतलब प्राइवेट लिमिटेड लिखना ही लिखना है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बाद केवल लिमिटेड शब्द लिखना है। क्लियर है सारे डिफरेंसेस? जल्दी से रिवाइज करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंतर्गत आती हैं, पब्लिक लिमिटेड 2 सबसेक्शन 71 के अंतर्गत आती हैं। इनमें 2 से 200 मेंबर्स आ सकते हैं, यहां पे 60 से लेकर अनलिमिटेड मेंबर्स आ सकते हैं। आर्टिकल्स यहां पे नेसेसरी है, आर्टिकल यहां पे भी नेसेसरी है, बशर्ते अगर वो कंपनी टेबल है और शेड्यूल 1 में आती है तो ऐसी कंपनी के आर्टिकल नहीं जरूरी होता है। यहां पे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट में 2 होने चाहिए, पब्लिक में 3 होने चाहिए। और अंतिम बात, यहाँ पे आपने पीवीटी एलईडी यानी प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज करना है और यहाँ पे केवल लिमिटेड शब्द का यूज करना है। इसी के साथ आपके शेयर्स का जो अक्यूट मतलब मैं वेरी अक्यूट मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारे लिए, जो अक्यूट रिवीजन था वो कंप्लीट हो गया और अब हम लोग चलेंगे एडमिशन पे, क्योंकि अब 4 बज चुके हैं। ठीक है तनु, ये सारी चीजों का नोट बना लेना अपनी बुक में, ढूंढ के बच्चे शाम को मैं कॉल करूंगी सिया से बात करने।